हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले की ग्रामीण पंचायत के गांव मूढ़ों की ठाणी के ग्रामीणों ने कंपनी के पंचनामे अनुसार अवाप्त भूमि का मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर शनिवार को बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि एनीवन वेल पेड से नागाना एमपीटी भोगत सलाया पाइपलाइन निकाली गई है, जिसमें समस्त खातेदारों का पंचनामा तैयार किया गया था। कंपनी के द्वारा दिए गए पंचनामे में भूमि अवाप्ति के अवज में मुआवजा राशि दी जानी थी, जो अब तक नहीं मिल पाई है। पंचायत समिति सदस्य हेमंत राज पुरोहित ने बताया कि कंपनी द्वारा अनपढ़ काश्तकारों के साथ छल कपट करने की नीयत से भूमि अवाप्ति के समय बने पंचनामे को खुर्द बुर्द कर दिया गया है और फर्जी पंचनामा तैयार कर दिया गया है, जिसमें किसानों एवं काश्तकारों को पंचनामे के अनुसार मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने ग्रामीणों की पैरवी करते जिला कलेक्टर को संबंधित अधिकारियों से बात कर मुआवजा दिलवाने की बात कही। इस दौरान जिला कलेक्टर विश्राम मीना ने केरन के अधिकारियों को दूरभाष पर मामले से अवगत करवाते हुए पंचनामे में फेरबदल करने वाली निजी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के अधिकारियों ने बिना किसी सर्वे और पंचनामा किए कई खातों से पाइपलाइन निकाली है। हालांकि कुछ खातेदार कृषकों की भूमि का पंचनामा हुआ है, जिसमें किसानों के हस्ताक्षर भी करवाए। जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्रामीणों और कंपनी के बीच हुए पंचनामे के अनुसार ही उन्हें मुआवजा राशि दिए जाए और पंचनामों से वंचित रहे किसानों का भी पंचम करवा कर उन्हें मुआवजा दिलवाया जाए। साथ ही ग्रामीणों द्वारा खेतों से पाइपलाइन हटवाने की भी मांग की है। इस दौरान गांव के दर्जनों किसान एवं ग्रामीण मौजूद रहे। ये क्या कि मुंडक डाणी से NE1 के लिए एक वेलपेड से लाइन गुजरी थी 2019 अगस्त 2019, उसमें तो किसानों को सल कपट करके और लाइन निकाली गई। पंचनामा अलग तैयार किया गया, पंचनामा और पेश अलग किया गया। जैसे कि दो पौधे लिखे, उसके आगे किसानों ने मांग हट करने पर दो के आगे और दो कर दिए, 22 पौधे कर दिए। अब किसानों को कहा कि आपके 20,000 नहीं, अब 2,00,000 रुपये पेमेंट आ जाएगा। तब किसानों ने हाँ भर ली और उसके बाद में जब पेमेंट आया पंचनामे का, वो सिर्फ दो पौधे का ही आया है। उसमें काट साँट की गई है और कागज़ इधर उधर कर दिए गए हैं और बिना साइन के पंचनामे भूमि आपूर्ति अधिकारी को पेश किए गए। और एक ठेकेदार जो हमारे सरपंच मुखिया है प्रतिनिधि, उसने और मेगा कंपनी ने इनके साथ सल की, ठीक है। उसके बाद में केयर कंपनी अभी पेमेंट देने के लिए इनको गुमराह कर रही है, आज नहीं कल नहीं आपका समझौता कर देंगे, कैसे भी करके ज़्यादा हो गया, अभी गूगल मैप के अनुसार हम पेमेंट करेंगे। और सरपंच प्रतिनिधि जो गंगाराम मूंड को खुद के परिवार को 25,00,000 रुपए दिए गए, उनके रियल भाई एक मतलब एक दो पीढ़ी में, उनको सिर्फ 1200 मीटर लाइन गुजरी है, उनको 5,41,000 रुपये पेमेंट हुआ। और आप खुद के 700 मीटर लाइन गुजरी है, उसमें आपको खुद को 25,00,000 रुपये पेमेंट हुआ है खुद का। तो किसानों के साथ में किसी को 500 रुपये का चेक जारी किया, किसी को 100 रुपये का चेक जारी किया और उनको जो वास्तविक पेमेंट नहीं मिला है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास।